हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के हिंदी बुक से दो बैलों की कथा का प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कांजी हॉर्स में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका उत्तर होगा, कांजी हॉर्स में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी जिससे यह पता चल सके कि सभी पशु मवेशी खाने में उपस्थित हैं या नहीं। हाजिरी लेकर यह पता लगाया जाता है कि कोई पशु भाग तो नहीं गया। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि वह बच्ची दोनों बैलों की व्यथा एवं पीड़ा को भावनात्मक रूप से समझती थी, क्योंकि उस बच्ची की सौतेली माँ उस पर खूब अत्याचार किया करती थी, मानसिक यातनाएं देती थी। वह प्रेम व स्नेह की भूखी थी, अतः अपना प्रेम प्रकट करने के लिए वह प्रतिदिन दोनों बैलों को एक एक रोटी खिला दिया करती थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इसका उत्तर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, प्रस्तुत कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने कई नीति विषयक मूल्यों को उभारा है। जैसे हीरा और मोती की मित्रता के माध्यम से लेखक ने बताना चाहा है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट आने पर एक दूसरे का साथ दे। हीरा और मोती विपत्ति आने पर एक होकर उनका सामना करते हैं। मोती जब बच्चे की माँ को मारना चाहता है, तब मीरा के कथन द्वारा समाज में नारी जाति के प्रति आदर व सम्मान का भाव दृष्टिगत होता है। अगला पॉइंट है, हीरा और मोती की दो बार गया के पास से भागकर अपने स्वामी के पास आने में स्वामी भक्ति की भावना का आभास मिलता है। अगला पॉइंट है, कांजी हॉर्स में कैद अन्य पशुओं को आजाद कराने में तथा सींग मारकर गधों को बाहर करने में परोपकार की भावना दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट है, हीरा और मोती के इस कथन में कि जिन पशुओं को हमने स्वतंत्र कराया है वहां भी हमें आशीर्वाद देंगे, इस कथन द्वारा ईश्वर के प्रति आस्था व विश्वास का भाव उमड़ता है। चौथे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद की गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, उत्तर होगा, प्रायः लोग गधे को रूढ़ अर्थ मूर्ख के संदर्भ में प्रयोग करते हैं, पर लेखक ने गधे का स्वभावगत विशेषता बताते हुए उसके सीधा और सहनशीलता की वजह से उसे यह पदवी दी है। गधे में तो ये सभी गुण चरम सीमा को पहुंच गए हैं जो ऋषि मुनियों में आवश्यक माने जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर होगा, निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। इसको हम लोग पॉइंट दे दे के लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे। दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाने पर यही चेष्टा करते थे कि ज्यादा से ज्यादा बोझ उसी की गर्दन पर रहे। विरोध स्वरूप दोनों बैलों ने गया के हाल हल में जोते जाने पर पांव भी ना उठाया था। दोनों बैलों ने मिलकर खेत में मटर चरी। दोनों बैलों ने अपनी मूक भाषा में सलाह करके गया के यहाँ से रस्सियां तोड़कर वापस झूरी के यहाँ आ पहुंचे। दोनों बैलों ने मिलकर सांड को मार गिराया। मोती हीरा को कांजी हौज में अकेला छोड़कर नहीं भागा, जबकि उसके सामने ऐसा करने का अवसर था। छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति की सामाजिक विडंबना को इंगित किया है? तो इसका उत्तर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, हीरा के उपरोक्त कथन के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि प्रेमचंद नारी को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। नारी स्वयं को अनेक रूप में ढाल कर अपने उत्तरदायित्व का पूरे निष्ठा से निर्वाह करने वाली है। वह अलग बात है कि परिस्थिति बस उसका स्वभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए तो उसे हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
माना कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, फिर भी प्रेमचंद ने नारी को त्याग, श्रद्धा और प्रेम की साकार मूर्ति के रूप में स्वीकार किया है। सातवां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के घनिष्ठ संबंध होता है। आपसी लगाव के कारण दोनों का एक दूसरे के बिना रहना दुखदाई हो जाता है। झूरी जब अपने दोनों बैलों हीरा और मोती को अपने से अलग करता है तो वह बड़ा बेचैन होता है और हीरा मोती भी उसके विषय में उल्टा ही सोचते हैं। लेकिन जब हीरा और मोती भाग कर वापस उसके पास आ जाते हैं तो वह बड़ा प्रसन्न होता है। तरह तरह के दुख उठाने और बिकने के बाद भी हीरा और मोती पहले अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। किसान अपने पशुओं को परिवार के सदस्यों के समान स्नेह और देखभाल करता है तो पशु भी उसके आत्मीयता युक्त भाव से स्नेह के बंधन में बंधकर सदैव उनके साथ रहना चाहते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं। तो इसका उत्तर होगा, हीरा तो रस्सी में बंधा था और मोती ने सींग मार मार कर कांजी हौज की आधी दीवार को गिरा दिया था। दीवार के टूटते ही वहां बंद 9-10 जानवर भाग गए। मोती हीरा की वजह से नहीं भागा, मोती को इस बात पर गर्व है कि उसके प्रयास से 9-10 जानवरों की जान बच गई। घटना से मोती की यह विशेषता पता चली है कि वह परोपकारी है, वह सच्चा मित्र भी है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए हीरा को छोड़कर नहीं भागा, जबकि वह चाहता तो भाग सकता था। मोती साहसी भी था। अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो नीचे जो पंक्तियां दी गई हैं उसका हमें आशय स्पष्ट करना है, यानी कि उनका अर्थ लिखना है। तो देखते हैं क्या है। पहला है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर है, यहाँ प्रेमचंद ने बताया है कि हीरा मोती मूक भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते थे। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के भाव और विचार समझते थे। हमेशा साथ साथ रहने के कारण दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी और दोनों ने ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जान और समझ लिया था। प्रेम, आत्मीयता और घनिष्ठता के गुणों के बल पर ही वे एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे। यही उनकी शक्ति थी जिसके कारण शेष जीवन मनुष्य भी उनसे पिछड़ गया। अगला है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो इसका अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि प्रेम और सहानुभूति का सहारा मिलने पर प्राणी बड़े से बड़े दुख भी भूल जाता है। जब भैरों की बेटी भूख से व्याकुल हीरा और मोती को एक एक रोटी खिलाती है तो यह सहानुभूति को पाकर उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है और आनंद भूति के बल पर स्वयं को तृप्त अनुभव करते हैं।